ओम शांति। 14 नवंबर के बाबा के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। पहला प्रश्न, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। दूसरा प्रश्न, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? उत्तर, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वे इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो ये बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। ये सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं, प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था? ये पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वे झट समझेंगे। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है। देह अभिमान बहुत है ना, तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, फिर भी उन द्वारा आवाज कराना पड़ता है। विलायत वाले तो यह नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भल घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे, राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों ना यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहां कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती हैं। ये ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है। अभी आवाज निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। हाँ, होना जरूर है। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो बिचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवें। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा, तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे ये तो वंडरफुल नॉलेज है। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है। जंचता है, समझानी भी है जंचने की। आज नहीं जंचेगी तो कल जंचेगी।
बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह विकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने, आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में यह म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी जरूर चाहिए, उनको कहेंगे टाइम मुकरर करो जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे, यह आगे होने का है। परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े ते बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान ना आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, ये करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो, इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे, बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी तो कहा जाता है वैश्यालय, सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, ये है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है, बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं, मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है, उनको दृष्टि दें तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो, अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी भर दी जाएगी। देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब छठ अपनी बैटरी भर सकते हैं, क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर ना सकें, क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है, योग कुछ भी है नहीं। इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता, तलवार में भी जौहर होता है। वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपया। गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं, अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। ये भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। ये बहुत गंदी दुनिया है, सबसे गंदा मुल्क है कलकत्ता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है, जो करेगा सो पाएगा।
देह अभिमान आया और गिरा, मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं, ज्ञान तो उनमें हो ना सके सिवाय तुम ब्राह्मणों के, कोई मठ पंथ वाला देवता बन ना सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बिगड़ देवता कैसे बन सकेंगे, जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे, टाइम लगता है, झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा, चींटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा, बाप समझाते हैं, मीठे बच्चों बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है, तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं, मेहनत करके समझाया जाता है फिर भी नहीं समझते हैं, तो समझा जाता है अभी समय नहीं है, फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है, अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं, देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी, बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है, जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है, तब कहते हैं 100-100 करे श्रृंगार, ये बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं दैवी चलन रखो, क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो, स्वर्ग में क्रोध होता नहीं, बाप कुछ भी सामने समझाते थे कभी भी गुस्सा नहीं आता था, बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं, ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है, ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है, जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी, कई कहते हैं ये पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी, नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे, ये हूबहू रिपीट होता रहता है, समझने की भी ब्रेन चाहिए, कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना, राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी, बाप ने समझाया है तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो, हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है, हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, बाजोली है ना, इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है, बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं सिर्फ सतो प्रधान बनना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ, मूल बात है मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, याद की यात्रा है नंबर 1, बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा, इतने सारे जंगल की सफाई किसने की, बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं, वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं, पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, तुमको कारून का खजाना मिलता है, भक्ति में कुछ नहीं मिलता, यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं, वे तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं, ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है, ये समझ लिया है ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है, वह खुशी रहती है, लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं, बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा, साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं, अच्छा। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते,
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरी पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती, जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझकर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। वरदान, ज्ञान के श्रेष्ठ खजानों को महादानी बन दान करने वाले मास्टर ज्ञान सागर भव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, ऐसे मास्टर ज्ञान सागर बन सदा औरों को ज्ञान दान देते रहो। ज्ञान का कितना श्रेष्ठ खजाना आप बच्चों के पास है, उसी खजाने से भरपूर बन याद के अनुभवों से औरों की सेवा करो। जो भी खजाने मिले हैं, महादानी बन उनका दान करते रहो, क्योंकि ये खजाने जितना दान करेंगे उतना और भी बढ़ते जाएंगे। महादानी बनना अर्थात देना नहीं बल्कि और भी भरना। स्लोगन, जीवन मुक्त के साथ देह से न्यारे विदेही बनना, ये है पुरुषार्थ की लास्ट स्टेज। ओम शांति।